धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। एक डाल के फूल दूसरी डाल पर अपने पराग छोड़ते हैं, पता नहीं इन्हें किस बंधन ने जोड़ रखा है। ये कुदरत का करिश्मा है। 1978 की एक अद्भुत प्रेम कहानी 2018 में फिर से दोहराई गई। वक्त बदलता रहता है, पर हर एक प्रेम कहानी आपके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। इस प्यार को क्या नाम दूं? ये जानने के लिए हम 15 साल पीछे जाते हैं। शीतल, जल्दी आना बेटा, स्कूल बस आ रही होगी। कंचन। हाँ? देख नहीं रही हैं आप, फर्श पर पानी बिखरा हुआ है। अरे मेरी बच्ची फिसल कर गिर सकती अरे? थी। अगर वो गिरती तो आप पक्का उसे संभाल लेते। उसकी इतनी खुशी में हम उसे डिस्टर्ब क्यों करें? हमें पहले से इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ। आगे से ध्यान रखना। ख्याल रखना अपना। हाँ। कंचन, एक मिनट। हाँ। क्या आदमी है? सुन बे, रात को पी थी क्या तूने? बिल्कुल नहीं सर। तू झूठ बहुत बोलता है। करीबा ब्रेक काम करता है? काम करता है, तभी तो गाड़ी यहाँ रुकी है। हाँ, संभल कर गाड़ी चलाना। हाँ। आ जाओ। Bye. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Bye, मम्मी। संभल कर जाना, ठीक है? चलो। पिता प्रमोद जय एक आदर्शवादी और सिद्धांत प्रेमी इंसान है। अगर ये बेटी को स्कूल भेजने में इतनी तहकीकात करते हैं तो सोचिए बेटी की शादी के लिए ये क्या क्या नहीं करेंगे। पंछियों और जानवरों को कैद करना पाप होता है, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। ये बाहर अकेला बैठा था पापा, बहुत डरा हुआ भी था। अब देखो ना पापा, अब इसका डर गायब हो चुका है। शीतल, पापा की बात सुनो, नहीं तो मार पड़ेगी। हे, 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 रो क्यों रही हो? आज से ये तुम्हारे पास ही रहेगा, ठीक है? मुझसे बात नहीं कर रहा है। ओहो। जो कुछ भी करती है उसमें खूबसूरत कायनात की कल्पना करती है। कोई चीज हो या कोई इंसान, ये किसी में बदलाव पसंद नहीं करती, और जो नहीं बदलते ये उन्हें बहुत पसंद करती है। ऐसी है हमारी शीतल जय। इस लड़के का जयपुर में मार्बल का व्यापार है, रंग रूप भी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी क्या है। बात है? है? इसका परिवार विदेश में रहता है। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। ए मेरा बच्चा। बाय पापा। बाय बच्चा।
बाय मम्मी, संभल कर जाना। ध्यान रखना बेटा। ओके। मेरी बेटी को अगर बेहद खुशहाल जिंदगी दे सकता है कौन? तो वहाँ लिखे टॉप 5 में से ही कोई एक मेरा दामाद बनेगा। IAS, IPS, CA, डॉक्टर, साइंटिस्ट। हाँ, साइंटिस्ट। बिल्कुल। जबकि पिता ने बेटी के लिए अपनी मनपसंद लिस्ट बनाई है, पर बाहर के टपोरी क्या शांत रहेंगे, वो कभी भी बीच में आकर टांग अड़ा देते हैं। रोहन, 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 रोहन। हाँ? कहाँ है वो? इसे जल्दी फोन कर। अरे यार, अरे रुक ना, हाँ कर रहा हूँ ना। करना। रोहन, 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 रोहन। हो जाएगा। मेरा भाई। इसका नाम है श्री रामचंद्र मूर्ति। इसने नाम छोटा कर लिया क्योंकि इसकी करतूतों से भगवान का नाम खराब हो रहा था। अब यह है चंद्र। ए, बोतल फेंक। ये बिल्डअप शॉट था। ए, कितनी बार बोला तुझे? कितनी बार बोला है? टपोरी के पास होता है। अंकल, मार क्यों रहे हो इसे? बोल रहा है कि तेरे जैसा बनना है टपोरी। क्या कहा? ये तुझे अपना हीरो मानता है। तेरे भाई को मैंने साइंटिस्ट बनाया, तुझे भी मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा, समझा क्या? चल। अरे बात बात में जो भाग्य को अपने रोते, जीवन में कभी वो यारो रोते ही रहते और कुछ ना वो कर पाते। अरे लानत है उन पे। जीना मरना हंसना रोना लाइफ का यही किस्सा रे, कभी हारना कभी जीतना रोज का ही ये किस्सा रे। जीनियस है बंदा वो जो न टेंशन लेता है रे, जिंदा दिल है इंसान वो जो सदा खुश रहता है रे। प्लस पे रहने की सोचना, माइनस में तू ना जा भैया रे। मौज कर ले, अरे जी ले जरा, खुश रह ले, अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा। रात होते ही मेरे भाई का मूड चेंज हो जाता, उसके बाद तो बस धमाल है। मौज कर ले, अरे जी ले जरा, खुश रह ले, अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा। Hey.
फर्स्ट क्लास में पास हुआ फिर गंगा जमुना क्यों? मेरे फर्स्ट क्लास पास होने से किसी को इंटरेस्ट नहीं है यार। क्यों? सब कहते हैं उस कॉलेज ने मुझे पास किया, क्या मैं अपनी मेहनत से पास नहीं हुआ क्या? फर्स्ट रैंक आए ना तो टेंशन ना लेना, कॉलेज की लाइफ में ये होता रहता, खाली तू फोकट का ड्रामा तू न करना, जितनी भी जिंदगी हंस के तू बिता, दुनिया को गोली मार तू, गम तू सारे भुला दे, वर्ल्ड में नंबर वन है तू, गोल्ड मेडल तू ला दे, सक्सेस बस मिलता उसी को जो ना हिम्मत हारा कभी मिले, मौज कर ले अरे जी ले जरा, खुश रह ले अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा, और सुबह सुबह पॉकेट मनी के लिए हमें उन्हीं के पास जाना पड़ता है। मौज कर ले अरे जी ले जरा, खुश रह ले अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा। मुश्किल हो कितनी भी ना तू रुकना रे, खतरों से ना डरना पीछे तू, ना हटना रहना तू, जोश में आगे ही बढ़ना रे, हैप्पी हैप्पी गाना गा के यार एंजॉय करना रे, जीत सीने है पाई हौसला जो न हारा रे, कंफ्यूजन में रह के कभी भी टाइम वेस्ट ना तू करना रे, मौज कर ले अरे चील जरा, खुश रह ले अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा, मनोरंजन और मस्ती के लिए भी हमें उन्हीं के पास जाना पड़ता है। मौज कर ले अरे चील जरा, खुश रह ले अरे हंस ले जरा, अरे कल की ना सोच जरा। तू नहीं सुधरेगा। बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। ठीक है, ब्याज का पैसा मुझे टाइम पर मिल जाना चाहिए, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। आपने हमारी मदद करके हम पर एहसान किया। इस बात के लिए एहसान मारने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा बोल रहे हैं। जीजा जी, अरे क्या हुआ? ये सच है ना, आपके बेटे की वजह से हम लोगों ने अपनी सारी रात डरते हुए गुजारी। क्यों? बियर वो पीता है, खिड़की हमारी तोड़ता है, बियर वो पिए, खिड़की हमारी तोड़े। अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया ना, तो यहाँ सब कुछ तोड़ देगा जीजा। मैं तुझे एक आइडिया दूँ। बोलिए जीजा। उसके रात भर बाहर रहने की वजह से हमारी कॉलोनी चोरों से सुरक्षित है। जिसका बाप पहले ही इतना बिगड़ा हो, उसका बेटा क्या खाक सुधरेगा? हाँ हाँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। बिटिया घर आ गई? अभी तक नहीं आई। आज इतना लेट कैसे हो गई? फिर से आप किसी की गारंटी ले आए? अरे वो लाला राम की बेटी। आप पूरे गांव की बेटियों की गारंटी लिए जा रहे हैं, देखिएगा एक दिन आप ही मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। करते रहिए अपने मन की। आप तो मेरी इन्हें दूसरों की समस्या खुद की समस्या लगती है। इनका नाम है बाबूराम। किसी को दुख में देखकर इनका बायां अंगूठा हर किसी की जमानत देने के लिए बाध्य हो जाता है। मुझे पता है, एक दिन सबको बेचकर दूसरों की गारंटी लूंगा।
अपना मुंह और ये रेडियो बंद करोगी? तब से कोशिश कर रहा हूं पर सो नहीं पा रहा। अगर 8 घंटे की नींद ना ली जाए तो हेल्थ बिगड़ जाती है। इतना टीवी देखते हो फिर भी पता नहीं है। सुबह सुबह नींद खराब करती है। बदमाश कहीं के, ये कोई लॉज नहीं है। जब मर्जी सोते रहो, इस घर में परिवार रहता। चलो बाप बेटे ने मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। सब अपनी मनमानी करते रहेंगे। माँ तो कभी मेरी सुनती ही नहीं है, पता नहीं ये कब मुझे समझेंगे। आप बड़े ग्रेट हो पापा, इतने सालों से माँ को झेलने के लिए आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। पक्का एक ना एक दिन मिलेगा। तू ये अभी देख रहा है, जब हमारी शादी हुई थी तो ये मायके से ससुराल उसी बस में आती थी जिस बस में गाना बजाने वाला टेप रिकॉर्डर होता था। शोर मचाने की आदत है। किसकी माँ? तेरी माँ। ये क्या? कितनी बार कहा है तुझसे कि पानी इस तरह मत पिया कर, मारूंगी तुझे। बच्चों की तरह पीती रहती। तो फिर से शुरू हो गई। ये ले पकड़। नाश्ते में क्या है? फिर से इडली। रोज का यही ड्रामा है। क्या टाइमिंग है भैया? लंच के टाइम पर आप नाश्ता कर रहे हैं, डिनर के वक्त लंच, सही है? मेरा जन्म अमीर खानदान में होना था, दुर्भाग्य से यहाँ हो गया। इस घर में किसी को मेरी टाइमिंग और पसंद की परवाह है? हाँ हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। हॉस्पिटल की नर्स ने मेरे बच्चे की जगह तुझे रख दिया होगा। भैया आपके लिए फोन है। और कौन वही होगा? तेरे बगैर तो उनको चैन नहीं। हाँ भाई बोलना। हम सब लोग वेट कर रहे हैं। तू वही सड़क किनारे रुक, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। ओके माँ। हाँ आ रही हूँ। लव यू माँ। कहता है कि अमीर हूँ बेवकूफ, मुझसे ही पैसे लेकर जाता है। हमारी संस्था वॉल ऑफ काइंडनेस की मदद करने के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ आंटी। कोई बात नहीं बेटा, प्लीज दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताइएगा, इससे गरीबों को मदद मिलेगी। हाँ जरूर बेटा। अंकल अपने कोलीग्स को भी बताइएगा वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में। ओके थैंक यू। जाने मत देना, हमारी कॉलोनी की लड़कियों को गंदे मैसेज करता है। मुझे औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। हाँ तेरी माँ बहन नहीं है क्या? तूने एक औरत को बदनाम किया, रुक तुझे सबक सिखाता हूँ। भैया इसने पास वाली सरोज दीदी को भी गलत मैसेज भेजा था, वो बहुत परेशान थी। तेरे माँ बाप को पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। ए भाई इस चंदू के पास मारपीट के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो किसी न किसी से झगड़ता ही रहता है। तुम्हें पता इसने क्या किया? क्या हुआ है? लड़कियों को ब्लैकमेल करना गलत है या नहीं? बिल्कुल गलत है। अगर कोई तुम्हें गलत मैसेज करेगा तो तुम क्या करोगी? उसके दांत तोड़ दूंगी। यही करती ना? थैंक्स। तेरे कहते ही तेरे बाप ने तुझे फोन दिला दिया। अगर उनकी इज्जत उनका सम्मान करता तो ऐसा नहीं करता। सॉरी मुझे नहीं, उसको जाके बोल। सॉरी सिस्टर। थैंक यू भैया। थैंक्स मत कहो, ये तो हर भाई का कर्तव्य है। कैरमेल मकीटो और एक कैपेचिनो। टेक इट इजी ब्रो, काम हो गया। क्या मैडम, स्वच्छ भारत अभियान? ऐसा नहीं है, इसे अकेले यहाँ नीचे डर लगेगा और डस्टबिन में अंदर सब इसको फ्रेंड्स बना लेंगे, इसे भी खुशी मिल जाएगी। ये लो। थैंक यू। इट्स ओके। मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और आप भी। ये कहना क्या चाहता है? यस सी, ये मेरी 10th की मार्कशीट है, स्कूल में फर्स्ट।
ये इंटरमीडिएट है, जिले में फर्स्ट, और ये एमसेट एग्जाम में स्टेट में फर्स्ट आया था। इंजीनियरिंग और एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मंथली सैलरी 5 लाख है। ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा अमेरिकन वीजा है। नाउ आई एम गोइंग टू सेटल इन यूएस विद फुल पैकेज। पहले पानी पी लीजिए। मुझे ये प्रपोजल पसंद नहीं। What? मुझे पता है कि तुम अपना बायोडेटा क्यों बता रहे हो। लाइफ सिर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं है, तुम जियोगे कैसे ये मायने रखता है। और इस फोल्डर में मुझे तुम्हारी लाइफ दिखाई नहीं दी। चलो अपनी शर्ट ठीक कर लो। थैंक यू। सॉरी मैं लेट हो गई। तू कल कहाँ बिजी थी? 2 दिन से एक लड़के को देख रही हूँ। किसी ने एक लड़की को रॉन्ग मैसेज भेजा तो उसने उस लड़के को बहुत मारा यार। ऐसा क्या? मैंने आज भी उसे देखा। पता है वो क्या कर रहा था? वो रोड पर एक लड़की की खुली कमर देखकर मजे ले रहा था यार। फिर तो बदतमीज होगा। बेशर्म है पर अच्छा इंसान है। पता है उसने उस लड़की से शर्ट को ठीक करने को भी कहा था। तुम सड़क छाप लोगों के बारे में मत सोचो। पर उसमें कुछ तो इंटरेस्टिंग है। अरे वाह वाह शाबाश।
वेलकम। आओ आओ सूर्य नारायण। अरे भैया आप कैसे मैं हैं? ठीक हूं। बच्चे और भाभी जी कैसे हैं? वो सब भी ठीक है। हाय अंकल। हाय कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। ये बेटे की शादी का कार्ड मतलब हमारे साइंटिस्ट बेटे की। हाँ, और आप लोग एक हफ्ते पहले पहुँच जाना। फिर आप अपनी बेटी की शादी कब करेंगे? कोई अच्छा लड़का तो पहले मिल जाए। ए, तुम जरा जाकर कॉफी लेकर आओ। भाई लड़की वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा 25 लाख कैश 10 एकड़ जमीन के साथ कार भी दे रहे हैं। अंकल सुना अपने साइंटिस्ट की शादी है? हाँ, तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं अंकल, बस चल रहा है। आपने इसे इतनी छूट क्यों दे दी? इसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कब तक ऐसे अकेले काम करोगे? इसकी शादी भी करनी है, अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दूं, हम गैस सिलेंडर का कभी इंतजार नहीं करते, राशन की लाइन में कभी भी नहीं लगते, बिजली बिल ना भरने पर फाइन नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि हर जगह इसके दोस्त मौजूद हैं, और इसी की वजह से मेरी बाउंड्री वॉल में कोई लड़का मेरी बेटी को लव लेटर नहीं फेंक सकता। पता है क्यों? जैसा तुमने कहा, हमारे घर एक गैर जिम्मेदार लड़का है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी कमाल की है, सब कुछ मैनेज कर लेता है चुटकी बजा के। कहने का मतलब वो नहीं था। भैया ने ठीक कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो। सीधे सीधे कहो ना कि वो किसी काम का नहीं है। भैया इनकी बातें मत सुनो, पहले मेरी हाथ की कॉफी पियो। ये सिर्फ बोल ऐसे रही है, वो अपने बेटे से मुझसे ज्यादा प्यार करती है। आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। बेटा जैसा भी है वो मेरा है भाई। बोलो बड़े भाई। बड़ा भाई नहीं, मैं कनक राव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना अंकल। तेरा बड़ा भाई हमसे पंगे ले रहा है, उसे यहाँ से लेके चला जा, उसके लिए अच्छा होगा। मैं अभी आता हूँ अंकल। वॉल ऑफ काइंडनेस, जो देना है दे दो और जो लेना है ले लो, ये कुछ नई चीज लगती है। कॉन्सेप्ट पता नहीं किसका है पर मस्त है भाई। पूछते हैं। हेलो भैया, ये चंदू इसी कॉलोनी में रहता है क्या? चंदू को यहाँ कौन नहीं जानता है, मस्त छोरा है। मैं उससे पानी मांगता हूँ तो मुझे दारू देता है, मेरे लिए वो मेरा वन ड्रॉप है, यू नो। उससे तमीज से बात करना। अंकल चंदू कैसा लड़का है? चंदू ना बहुत अच्छा लड़का है, कॉलोनी में कोई भी प्रॉब्लम हो वही खड़ा रहता है। क्या उसने तुम्हारी भी खिड़की तोड़ दी? रोज रात को दारू पीता है और तोड़ फोड़ करता है। हा? किसी काम का नहीं है वो। चीची चंदू को जानते हो? वो लंबे सिक्स मारता है, लोगों की खिड़कियाँ टूट जाती हैं। मेरा पक्का दोस्त है, अगर तुम्हें कुछ काम है तो बताओ, मैं सेटिंग करा दूंगा। नहीं, नहीं। इनसे पूछो, ये मुझसे बेहतर जानती है। क्यों बेटी, चंदू से तुम्हें क्या काम है? शादी से पहले हम सभी दूल्हे की इंक्वायरी करते हैं ना, मैं उसे प्यार करने से पहले वही कर रही हूँ। प्यार? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? चंदू इन्हीं का बेटा है। पता नहीं क्या हो गया इन लड़कियों को, रख दो। आती हूँ भैया। ठीक है माँ जी। हमेशा कबाड़ को ही रिपेयर करते रहते, नया नहीं लेंगे। हाँ?
इतने दिनों से मैं ये सोचकर खामोश बैठी हूँ कि एक न एक दिन तो सुधर जाएगा, पर जनाब को लड़कियों का पीछा करने से फुर्सत मिले तब ना। मार्केट में किसी से झगड़ा करके आई हो क्या माँ? कौन सी लड़की? मुझे तो बस तुमसे प्यार है। तू नहीं जानता, पूरी मार्केट में वो तेरी इंक्वायरी कर रही थी, बाद में मुझसे आकर पूछ रही है कि चंदू कौन है। चंदू सिर्फ इसका नाम नहीं है, और भी लोगों का नाम है। सुनो माँ, देख लिया, कुछ बातें मेरे पापा से भी सीख लो। ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, ऐसे गधों की इंक्वायरी करती घूम रही है। आप पर नहीं जी, मुझे तो अपनी सास पे गुस्सा आ रहा है जो इन्होंने तेरा नाम श्री रामचंद्र रखा तेरे दादाजी के नाम पर। अरे बीच में तुम मेरी माँ को क्यों ला रही हो? मेरी माँ तो देवी थी। उन्हें कुछ कहा तो आपको बुरा लगा? चाचा हाँ, एक सिगरेट देना। हाँ, ये लो बेटा। चंदू कल कॉलोनी में एक लड़की आई थी, तेरे बारे में पूछ रही थी। लड़की? हाँ लड़की। तू अब कभी भी ड्राइव और ड्रिंक नहीं करेगा क्योंकि तू हमेशा पकड़ा जाता है। रुक रुक, एक मिनट छोटे भाई। अब क्या हुआ? ये नदी की मछली पका कर तुझे भेजूंगा। ठीक है ठीक है, भेज देना। क्या कर रहा है? क्या तू मुझे देगा? क्या 90 रख, ये रात के लिए है ना। ठीक है भाई। छोटे भाई एक लड़की पूछ रही थी, स्कॉच बोतल जैसी थी, बस थोड़ी बदतमीज थी, केयरफुल होके ड्राइवर गाड़ी लेकर आ, पैदल चलने में मुझे तकलीफ होती, चल। हाँ अरे बाप रे चंदू, मुझे गैरेज तक जाना है, ड्रॉप कर देगा? हाँ चलिए ना। घर पर तेरी माँ किस लड़की की बात कर रही थी? पापा मुझे नहीं पता, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन? हाँ। कंफ्यूज मत हो, वो लड़की जब भी तेरे सामने आएगी क्लियर कर लेना। क्या कहा आपने? वहीं के वहीं क्लियर कर लेना। हाँ कर दूंगा कर दूंगा। हाँ ओके चंदू। बाय पापा। बाय बेटा। ए अकबर ऐसा क्लच वायर दे दे। ठीक है सर। अरे ये सब नहीं, लड़की के बारे में बता। अच्छा उस बारे में? सही कह रहा है, सही कह रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं? लड़की के ब्यूटी के बारे में। ब्यूटीफुल होती है, सही बोल रहा है। चलो एक स्मॉल मार के बात करते हैं। अच्छा बताओ यहाँ पे चंदू कौन है? समझ गया भाई, ये पार्सल लेकर आया था। चंदू को नहीं जानता फिर यहाँ क्यों आया? चल जा। तेरे लिए पार्सल है। दिन में अपने किसी को परवाह नहीं, रात में किसने पार्सल भेज दिया? बाप रे, अरे ऐसे हमारे फैंस हो तो हमें भी 10 बॉटल मिल सकती है। जो तुम्हें ढूंढ रही है मैं वही लड़की हूँ। कौन है ये लड़की जो मुझ में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है? आखिर कौन है ये लड़की? स्कॉच जैसी ही होगी, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? जाओ। वैसे बड़े भाई अब तुम्हारी वाली को ढूंढने की जिम्मेदारी जो है ना मेरी है। अरे भाई लगता है कोई दूसरा कोरियर वाला आ रहा है, मैं अभी कोरियर लेकर आता हूँ। चुप कर बे, ये गलत है। गलत है। कैसा लगा स्टेप? माइकल जैक्सन। मेरे लिए जरा एक 90 बनाओ। यहाँ बदमाश घूमते रहते हैं, हम यहाँ शांति और इज्जत से पीते हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो हम पर ब्लेम आएगा। वी आर द सिक्योरिटी ऑफ दिस कॉलोनी यू नो। भाई पीना नहीं है क्या? तुम लोग पियो, मेरे लिए बनाओ। ओके। तुम मार्केट में मेरी इंक्वायरी कर रही थी ना? नहीं मुझे नहीं लगता। इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी फ्रेंड। फ्रेंड? दिख तो नहीं रही है। हाँ, कॉलोनी में नहीं हो? हाँ। कौन सा ब्लॉक? सी ब्लॉक 45। सी ब्लॉक 45 वाले ने घर भेज दिया, मुझे बताया भी नहीं। पर सी ब्लॉक उधर है, इधर क्यों जा रहे हो? चंदू सब ठीक है ना? हाँ मैंने बताया ना ये बदमाश लोग घूमते हैं। अरे सुन चलो। कॉलोनी में सब गधे हैं मुझे छोड़कर। कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन। पास या फेल? पास आउट। मेरी बहन सेकंड ईयर में है, वो बड़ी तेज है मेरे जैसे नहीं। एक मिनट,
कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या? तुम्हें नहीं लगा क्या? तुम कंफ्यूज क्यों हो? मतलब? नहीं कुछ नहीं, चलो चलो। मुझे पता चला एक लड़की मेरी इंक्वायरी कर रही है, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। वो डायरेक्ट मेरे सामने आ जाती तो कंफ्यूजन नहीं होता ना, है ना? आ गए, ये रहा सी ब्लॉक 45। जाओ। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? कल्याणी। जरा इधर आना, फोन दो। ये लो, अपने फोन पर मिस्ड कॉल दिया है, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। जाओ। वो लड़की कुछ नहीं, जाओ। बहुत कंफ्यूजन है। पहला है प्यार ये पहला नशा, पहला एहसास है ये पहला नशा, पहला खुमार है ये दिल पे छाया, पहली दफा कोई दिल को छुआ, थोड़ा है जुनून, थोड़ा है सुकून। ये दिलों की है बेकरारी पहली दफा, ये तो हमारी पहली दफा, ये तो छाई है बेताबी पहली दफा, हुई बेचैनी पहली दफा। सा तू ही लगे मुझे रियल हीरो सा तू ही लगे, मेरे ख्वाबों का राजा तू ही लगे, मेरे दिल का शहजादा तू ही लगे। मैं तो रंगी हूँ तेरे रंग में, मेरे दिल को मिला सुकून जो मिला, जीने का ये नया जुनू मिला, मुझे मिली है मेरी मंजिल तू जो मिला, मेरे जागे अरमां तू जो मिला। पहला है प्यार ये
पहला नशा, पहला एहसास है ये, पहला नशा, पहला खुमार है ये, दिल पे छाया, पहली दफा कोई दिल को छुआ, थोड़ा है जुनून, की है बेकरारी पहली दफा, अजब सी ये खुमारी इस दफा, ये तो छाई है बेताबी पहली दफा, हुई है ये बेचैनी इस दफा, मैं सोडा में क्या मिक्स करूं, पानी में क्या मिक्स करूं, तुझे पता है ना मैं नीट बिल्कुल नहीं पीता। रुकना, अपना मनोज बड़े नशे में है, जो करना जल्दी कर। उसे दारू नहीं चढ़ती इसलिए कस्टमर केयर पर वो शिकायत कर रहा है। शिट, पर बॉटल पर से कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने वाला आइडिया कमाल है। मनोज भी कमाल है। भैया भैया, एक दीदी ने आपके लिए ये लेटर भेजा है। कौन है ये लड़की? ये सब लिख कर ये करना क्या चाहती है? पहली बार लड़की ने हम में से किसी को लव लेटर दिया है। रुक, मैं फोन कर रहा हूँ ना, चुपचाप रह। ये लव लेटर नहीं, फिल्मी गाना लग रहा है यार। गाना है या जो भी है, मेरा है। अबे रुक ना, इसे कोई खास आदमी नहीं पड़ेगा। अरे भाई, हॉल में 50% का डिस्काउंट लगा है। सुन, लव लेटर पड़ेगा क्या? लव लेटर पढ़ने में मुझे शर्म आती है। एड्रेस लिख। हेलो भाई, क्या कर रहा है यार, जल्दी करना। हेलो, अच्छा सुन, यहाँ पर अपना काम बन जाएगा ना। हाँ, चलो अंदर चल के देखते हैं। ए भाई, यहाँ पर शर्ट दिखाना जरा। ए, ये शर्ट कैसा है? बढ़िया है ना? तुम लव लेटर पढ़ोगे? नहीं सर। भाई, अरे हम लोग उस लव लेटर को बाद में पढ़ लेंगे ना, ये शर्ट पहन के दिखाना, मस्त लगेगा। और दिखाना भाई, कितने की है? शीतल। हाँ मम्मी। कहाँ हो तुम? शॉपिंग मॉल में। पापा इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं आ जाऊंगी, बाय। सुनिए जी। हाँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन है? हेल्प चाहिए, एक लव लेटर है, क्या आप उसे पढ़ देंगी? मैं पढ़ दूँ क्या? हाँ, पढ़ दीजिए ना प्लीज। तुम चंदू हो ना? जी मैडम, ये लेटर मेरे दिल के किसी चाहने वाले ने लिखकर भेजा है, आप पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डियर चंदू, हाँ? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। हे भगवान, फीलिंग बहुत अच्छी हो रही है, अब तो ये फीलिंग मुझे देखनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन हर पल मुझे तुम्हारा एहसास होता है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अंजाम। मैम मैम मैम, एक बार इसे रिपीट कीजिए ना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अंजान। अरे यार। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। इतना काफी है मैम, ये लेटर तो सीधा दिल में घर कर गया। मैं तुम्हारे लिए और लिखना चाहती हूँ, पर मेरी फीलिंग्स के सामने इस दुनिया के सभी शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए इतना ही लिखा। मैडम जी, हे भगवान। भाई सुन, ये लेटर एक लड़की ने किस किया और अभी यहाँ से निकली है। कौन सी लड़की ने? अभी आया। शर्ट कहाँ रहे? मुझे लगता है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? जब दो लोगों में प्यार होता है तो 5 senses कनेक्ट होने चाहिए, और वो लेटर लिखते वक्त मुझे उसी का एहसास हो रहा था। वो फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अभी उस लेटर को भूल जाओ, आगे क्या हुआ वो बताओ। फर्स्ट सेंस, उसका लुक। सेकंड सेंस, टेस्ट। थर्ड सेंस,
स्मेल, फूड सेंस, वॉइस, दिल करता है कि उसे सुनती ही जाऊं। इतना काफी है, मुझे तो सुन के ही मजा आ गया। वाओ, ये तो बड़ा थ्रिलिंग है। वो फिफ्थ सेंस कौन सा है? टच, जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, मैं उसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ए, रुक। बोलो भैया। इधर आ। दूध पिएगा? बूस्ट मिला के पीऊंगा। भाई जरा एक बूस्ट देना। लेटर देने वाली को पहचान पाएगा? क्यों नहीं, चल बाइक पर बैठ। भैया भैया भैया, बूस्ट बूस्ट बूस्ट। बाद में पी लेना, आजा। क्रिकेट खेलने जाना है। आजा, मैं तुझे वहाँ छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है। ढूंढने की बेचैनी तुम पर बहुत जचती है। जो तू लगा दिल ने मेरे कहा, मैं तेरा तेरा, तू मेरा तू मेरा, तूने जो यूं छुआ सांसों ने ये कहा, मैं तेरा तेरा, तू मेरा तू मेरा, मैं भी फिदा हो गई तुझ पे, दिल भी प्यार तो था ही ये होना, लव में दिल तो था खोना, मुझको तेरा ही था होना,
एक दिन ये ही था होना, प्यार तो था ही ये होना, रंग में तेरे ही था ढलना, रूह में तेरी था रहना, प्यार तुझको ही था करना। माँ बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? सुपरहिट सॉन्ग है, तुम्हें पसंद है? मुझसे ज्यादा मेरी माँ को पसंद है। ओ अच्छा, चलो। तुझ में मैं हूँ ढला, मुझ में तू है मिला, दिल में रूह में, ख्वाबों में रक्स तेरा, ख्यालों में रक्स तेरा, दिन में रात में, दिल को जुनून है चढ़ा तेरा, मुझ पे सुरूर चढ़ा नशा तेरा। I miss you मैं लिखता हूँ, I love you मैं कहता हूँ, सांसों में है रहता तू, बातों में है रहता तू, I miss you ये कहता तू, I love you ये कहता तू, सांसों में है रहता तू, बातों में है रहता तू। जिंदगी तू ही है बंदगी, तू मेरी है खुशी, जब तू मुझको मिले दिल को मिले सुकून, जहाँ तू वहाँ मैं, तुझसे है मेरी खुशियाँ, तू ही है मेरी I miss you मैं लिखता हूँ, I love you मैं कहता हूँ, सांसों में है रहता तू, बातों में है रहता तू, I miss you ये कहता तू, I love you ये कहता तू, सांसों में है रहता तू, बातों के नए प्रोग्राम में हम अपने वॉल ऑफ फाइनेंस का प्लान करते हैं। टेक केयर ऑफ ऑल परमिशंस। हेलो, क्या कहा? चंदू हॉस्पिटल में है, ओमनी आर के, वो ठीक तो है ना? क्या हुआ? आसमान में उड़ोगी। चपाती और चिकन कॉम्बिनेशन बेहतरीन है, ट्राई करो। क्या सारी पत्तियां और हरी सब्जियां मेरा इंतजार कर रही हैं? तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता,
अरे खा लेना, बड़े प्यार से बोल रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है बोल। हमने कमेंट किया उसे तू कॉम्प्लीमेंट भी मान सकता है? कॉम्प्लीमेंट कैसे देता है बताऊं? चंदू, इन्हें कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर पता होना चाहिए। अब ये कभी किसी पर कमेंट नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? अबे सुन, कॉलोनी में चंदू और शीतल की बातें चल रही है। इतना ही नहीं बड़े भाई, कॉलोनी में तो बहुत लोग थे, पर सिस्टर सिर्फ चंदू से कनेक्ट क्यों हुई? कॉलोनी में जीने वालों और कॉलोनी के लिए जीने वालों में बहुत अंतर है। जब मैं इसके साथ रहती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। सिर्फ मैं नहीं, इसके आसपास रहने वाले सभी खुश रहते हैं। ये मेरे साथ होता है तो मैं सेफ फील करती हूँ। तुम्हें एक बात बताऊँ, ये इस दुनिया के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीता है। मुझे इतना प्यार दोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? कुछ भी देने की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी साथ दो इतना काफी है। क्या हुआ, ऐसे परेशान लग रहे हैं? सुनील जैन की बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी और इसी के साथ गई। हमारे सुनील की बेटी? हाँ, हमारे सुनील की बेटी। इस बारे में जानने के बाद उसे गांव से बाहर कर दिया गया। इससे परेशान होकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की। सुसाइड? हाँ। ये बेटियां कैसे अपने माँ बाप की फीलिंग्स, उनके इमोशंस को भूल जाती हैं? क्या उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आता? आप टेंशन मत लीजिए, हमारी बेटी को हमारे प्यार की कद्र है। अभी सो जाइए। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। ये नाखून इतने क्यों बढ़ाए हैं? ये नाखून नहीं, मेरी दादी हैं। उनकी नाखून और मेरे नाखून बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए पापा हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी दादी जैसी दिखती हूँ। हाय दादी, मैं हूँ चंदू। आपकी तरह ही मैं भी इसका साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। नहाने के बाद अपने आप चला जाएगा। ये वैसा ही रिश्ता है जैसा आप तलाश रहे थे। ये लड़का एकदम बेदाग चांद जैसा है। मैडम, ये मुझे सीढ़ियों के पास मिला। बच्चा सोया नहीं अब तक? पापा बस सोने ही जा रही हूँ। हेलो, मैं शीतल जैन का फादर प्रमोद जैन बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नर्सरी पर आ जाओ। आता हूँ।
जय जिनेंद्र, नर्सरी कमाल की है अंकल। बोलिए ना अंकल, मुझसे क्या बात करनी थी? क्या मैं पूछ सकता हूँ रात को तुम मेरे घर क्यों आए थे? उस वक्त आपकी बेटी ने मुझसे आइसक्रीम मंगाई थी। आखिर प्यार करता हूँ, मना कैसे करता? क्या तुम जानते हो इस दुनिया में महान लोग सबसे पहले क्या करते हैं? प्यार करते हैं, लव। अगर काबिलियत के हिसाब से इसका टिकट मिलता ना तो कोई भी उसे खरीद नहीं पाता। ये देखो, ये लड़का कलेक्टर बनने वाला है, फादर रिटायर्ड प्रोफेसर है, इज्जतदार खानदान, धन दौलत, सब कुछ परफेक्ट है। मेरी बेटी उस घर में बहुत खुश रहेगी, ये मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं अंकल, चंदू का साथ पाकर वो सबसे ज्यादा खुश रहेगी। तुम जैसे शराबी जिनकी सुबह हैंगओवर के साथ होती है, किस भरोसे पर मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूं? 6 फीट मेरी हाइट है, कलर भी लगभग आप लोगों जैसा ही है। देने के लिए मेरे पास प्यार है, इसके अलावा और क्या चाहिए? इतना काफी है। अंकल, ये नर्सरी आपकी है क्या? बताता हूँ, सब बताता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ नमस्कार, बाबूराव से बात हो रही है? हाँ जी, बात हो रही है। मैं एक मैरिज कंसल्टेंट हूँ, मुझे पता चला है आपकी बेटी शादी के लायक है, एक अच्छा रिश्ता आया है, क्या बोलते हैं? ए भगवान, अच्छा रिश्ता हम हाथ से क्यों जाने देंगे, पर फैमिली अच्छी है ना? हाँ फैमिली बहुत अच्छी है, उसके पिता एक मेहनती इंसान है। फिर तो ठीक है, पर लड़का क्या करता है? वो शरीफ तो है ना, और वो नौकरी करता है या व्यापार? वैसे अभी तो वो कुछ भी नहीं करता है, बेकार बैठा है। आपके कहने का मतलब है कि वो कुछ भी नहीं करता? पर लड़का देखने में बड़ा अच्छा है, उसकी लंबाई 6 फीट है। अच्छा दिखने से क्या होता है, उसका अचार डालेंगे? मेरी बेटी को खिलाएगा क्या? लड़का अच्छा होना चाहिए। मेरी बेटी मेरी माँ पर गई है, हमने उसे लाड़ प्यार से पाला है। अब ऐसे नाकारे के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, ये रिश्ता तो तुम भूल ही जाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप उसे नहीं जानते, वो शादी के बाद खुद बदल जाएगा, फिर जिम्मेदार भी हो जाएगा। बंद करिए अपना मुंह। एक नाकारा इंसान जो अपने बाप के पैसों पर जीता हो, ऐसे इंसान को शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पर आप तो समझदार हैं, आगे से सोच समझ कर रिश्ता बताइएगा। ये बताइए, ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे? टाइम पास बहुत हुआ, रखिए फोन। सुन लिया, तुम जैसे लोगों का प्यार में पड़ना ठीक है, पर शादी के लिए तुम्हें काबिलियत चाहिए। और ये मैं नहीं, तुम्हारे पापा कह रहे हैं। तुम जैसे लोग सारी कोशिशें करके एक लड़की को अपने झांसे में ला सकते हो, पर उसकी सिर्फ आधी मेहनत अपने आप को काबिल बनाने में नहीं लगा सकते। तुम्हारे पापा या मेरा सोचना गलत है क्या कि बेटियों को एक अच्छा जीवन साथी मिले? मेरी बेटी के साथ मुझे भी तुम पर भरोसा होना चाहिए, और मेरा भरोसा जीतने के लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है। एक मिनट, तुम्हें पता है तुम मेरी नजरों में कब बदलोगे? जब कोई बाप रिश्ता तुम्हारे लिए लाएगा तब यहां आना, मैं अपनी बेटी दे दूंगा। तब तक शीतल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। छोटे भाई, तुम्हें ऐसा क्यों बोला उसने? उसका बाप अच्छा आदमी है, तभी तो चंदू को ये सब करने के लिए उसने कहा है। ए, उसका बाप किसी अच्छे आदमी से शादी करेगा, अपने चंदू से नहीं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी बदल जाएगा। ये पिछले 10 साल से दारू छोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब इसकी हड्डी टूटी थी और प्लास्टर चढ़ा था ना, तो उसमें दारू छुपा रखी थी। बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती हैं। पर लड़का क्या करता है, वो शरीफ तो है ना? वैसे फिलहाल तो वो कुछ नहीं करता, बेकार बैठा है। ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे? जब कोई बाप तुम्हारे लिए रिश्ता लाएगा ना, तब यहाँ आना। लगता है ये बुरा मान गया। मुझे नहीं लगता। ए, ए, सुनना, कहाँ जा रहा है? अच्छा चलता हूँ। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो माँ, मुझे जितना डांटना है तुम आज ही डांट लो, पर कल से डांटने का मौका नहीं मिलेगा, मैं अच्छा बनने जा रहा हूँ। पता नहीं अलार्म काम कर रहा है या नहीं। सुनो माँ, एक ग्लास दूध देना। ये ले। गुड नाइट। हाँ
बेटी तेरा भाई उठ जाएगा ना। सुनो माँ, मुझे नाश्ता दो। क्या हुआ ऐसे क्या दिख रही है, इतने शौक में क्यों? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इडली के अलावा कुछ और नहीं बना सकती आप? मैं कल से मेरे लिए पूरी बनाना। ठीक है बेटा। अमर है क्या? नहीं बेटा, ये ले मुंबई की चटनी। नहीं बस हो गया। बेटा एक और इडली ले। बस हो गया। माँ कितने दिनों के बाद मैंने भैया के साथ नाश्ता किया है। माँ मेरे सर्टिफिकेट यहाँ रखे थे, आपने कहीं और रख दिए क्या? वही होगा बेटा, यहीं कहीं रखा होगा बेटा। यहाँ नहीं है। तूने कहीं देखा क्या? नहीं भैया, मैंने नहीं देखा। ये रहे तेरे सर्टिफिकेट्स, मुझे पता था कभी न कभी तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। मिडिल क्लास फैमिली के लिए वरदान की तरह होता है। थैंक्स पापा। हेलो अनिल भाई, मैं आ रहा हूँ, तू ऑफिस में है ना? अरे रुक जा भाई, आज मेरे बॉस का मूड खराब है। मैं बताऊंगा तुझे कब आना है, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है भाई। हे भगवान, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाय आंटी। हाय आंटी। अरे अरे नहीं नहीं बेटी, कुछ ये शीतल है, फ्रेंड। ये तुम्हारे लिए, ले लो। एक्चुअली लड़की को तरीका नहीं पता। आप तो समझदार है ना। चंदू फोन दो ना, इधर जाके खड़े हो। चलिए एक फैमिली फोटो लेते हैं। ये हमारी फैमिली है, अच्छी है ना? हेलो, मैं हूँ कल्याणी। ये लो कल्याणी। हेलो शीतल, कहाँ हो? लाइट हाउस आई थी, आ जाओ। ओके। चंदू, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से हर दिन सपने जैसा लगता है। क्या? तुम दूल्हा बने हुए हो और मैं दुल्हन, ऐसा लगता है घोड़े पर बैठकर तुम मुझे लेने आ रहे हो। ये सपना सच होगा ना? ये क्या है? दाग चांद की खूबसूरती बढ़ाता है और चंदू मेरी। तुम अगर इतना प्यार करोगी तो मैं इसके बदले कुछ दे नहीं पाऊंगा। तुम वहां आकर मेरे सपने को पूरा नहीं करोगे? बाय बाय। ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब अगर वो पैसा नहीं दे सकता है तो गारंटर बनने का क्या मकसद था? साइन करते वक्त नहीं सोचा था कि 5 लाख रुपए कहाँ से चुकाओगे? थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। अगर वक्त दूंगा तो पैसे लौटा दोगे? कहाँ से लौटाओगे? हाँ इस घर की नीलामी करके मुझे मेरा पैसा मिलेगा बस। चंदू, चंदू, हिम्मत कैसे हुई? भैया, क्या सोच के मेरे पापा का गिरेबान पकड़ो? अपने से बड़ों का कॉलर पकड़ेगा तू? आपने देखा कैसे? चुप रहे। मैंने सोचा था कि तू इंसान बन जाएगा, पर तू गुंडा का गुंडा ही रहेगा। भाई साहब, माफ कर दीजिए, ये बहुत शरीफ है, इसी का खामियाजा भुगत रहे। हमें थोड़ा टाइम दीजिए, ब्याज के तौर पर आप इन्हें रख लीजिए।
माँ मुंह बंद कर, तू जिम्मेदार होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। बेटा होना ही काफी नहीं है, बेटा बनकर दिखाना पड़ता है। मेरी गलतियों की सजा उसे क्यों दी? ये सब उस लाला राम की वजह से हुआ। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है? मैं क्या करता, दिल की वजह से मजबूर हूं। जब मुझसे कोई सहायता मांगता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता। कभी कभी अच्छाई भी हमें खून के आंसू रुलाती है। रामा राव जी, मुझे आपका घर चाहिए। बिना मेरे नोटिस के और बिना मेरी परमिशन के आप अपने घर की एक टाइल भी इधर से उधर नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, वो घर ही नहीं, उस घर से मेरी पत्नी की सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं। वो सारी यादें मैं आपको मुझे बेचने के लिए कह रहा हूँ रामा राव जी, मार्केट रेट से ज्यादा रकम दिलवा दूंगा। मैं अपनी पत्नी की यादें तब तक संजोए रखूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। चलता हूँ भाई। दादाजी, सिर्फ सर के कहने पर आप अपना घर इन्हें मत बेचना। उसे बेचो मत, भले किसी को दान दे दो। अरे ये कौन है? बताया था ना सर, मेरा कजिन है, जॉब के लिए आया है। पर डेवलपमेंट के लिए घर सर को दे दो। दादी का नाम कभी नहीं मिटने वाला, बल्कि उनके नाम पर वहाँ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यादें खूबसूरत होती हैं, किसी के काम आए तो और खूबसूरत होती हैं। जब लोग वहाँ रहने आएंगे तो दादी की आत्मा को शांति मिलेगी। आपको इन पर भरोसा करना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे, कभी कभी भरोसा सामने वाले की नजरों में दिखाई देता है। बताओ मुझे कहाँ साइन करना है, इसकी बात माननी पड़ेगी। बाबू। सर। तुम नहीं थे इसलिए मेरे कितने ट्रांजैक्शन रुके पड़े थे, और तुम्हारे आते ही वो ट्रांजैक्शन चलने लगे। तुम कल से ही ज्वाइन कर लो बाबू। थैंक्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। डोंट मेंशन इट। पापा, तू जैसा भी है मेरा बेटा है, तेरा सही समय शुरू हो गया। भगवान इसे बुरी नजर से बचाना। ये ले तेरा आईडी कार्ड। कांग्रेस यार। थैंक्स भाई। अब मेरी बारी है। ए तू चलना। ए वो देखो। वाह ग्रेट। उसका बाप किसी अच्छे लड़के से शादी करवाना चाहता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बदल जाएगा। अरे वहां देखो। मैंने कहा था ना ये बदल जाएगा। हाँ यार। बड़े भाई, मैंने कहा था ना ये एक दिन बदल जाएगा। सही कहा यार। अच्छा लग रहा है मेरा भाई। कांग्रेट्स भाई। क्या हुआ तुझे, बच्चों की तरह रो रहा है? भाई तुझे ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तू सिस्टर से मिला क्या? सुख हो या दुख, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। आजकल ज्यादातर लेटर्स पिंक कलर में आने लगे हैं। ये लेटर हमें भेजा है ललिता जी की डॉटर लॉ सीता जी की होने वाली बहू ने, जिनका नाम है चपाती। बहुत अजीब नाम है ना? वैसे उन्होंने मुझे ये गाना अपनी सास को डेडिकेट करने के लिए कहा है। हाँ तो ललिता जी, हम ये गाना आपकी बहू के फरमाइश पर आपको सुनाने जा रहे हैं, तो सुनते रहिए मिर्ची 98.5 FM। It's very hot.
हाय आंटी। हेलो अंकल। हाय अहिल्या। आओ बेटी, 100 साल जियोगी तुम। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये गाना मुझे पसंद है? चंदू ने बताया आंटी। आंटी चंदू। चंदू अंदर है बेटी, जाओ जाओ। चंदू, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन तुमने यहाँ आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। सर सर बोलिए सर। चंदू तू है कहाँ? सर कैफे में हूँ सर। और ऑफिस कब पहुँचेगा? 10 मिनट में आ जाऊंगा सर। ठीक है। Excuse me, ऑर्डर आने में और कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स। शीतल तुम प्लीज कैब लेकर घर चली जाना, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा। हर पल जिए हम इंतजार में। तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं जो स्मार्ट होते हैं। आई लव यू श्रीराम। थैंक यू सर। आई लव यू। थैंक यू सर। मैंने मिस्टर कृष्णा राव से बात कर ली है, अब सब ओके। हे, क्या कर रही हो तुम? सर फोन कैसे कट हो गया? गलती से हो गया क्या? सॉरी सर, सिग्नल वीक था। अच्छा सर, सब कुछ पॉजिटिव है, वो शाम तक जवाब दे देंगे। लव यू बाबू, अगेन आई लव यू। सॉरी चंद, मुझे जाना होगा। क्या हुआ ये क्या हुआ, जाने तुम्हें ये क्या हुआ, क्यों ना दिल सुन रहा दिल की सदा। दिल का मैं क्या करूं, बिन मिले ये माने। बोलो चपाती। मुझे लगा था आज हम मंदिर जाने वाले हैं। तुम चले जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुझे मांगूं मैं रब से दुआ में हर दफा, कभी होना ना मुझसे मेरे माही तू खफा। वो फोन करेगा। अच्छी प्रॉपर्टी है सर। हाँ, कंसल्ट के लिए थैंक्स। सॉरी सर, उसने फोन कट कर दिया। डिटेल्स तो सारे ओके हैं। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। हेलो चंदू, शीतल बोल रही हूँ। शीतल, आपने किस नंबर पे कॉल किया? 9391554567 है ना? नंबर तो ठीक है, पर ये चंदू का नंबर नहीं है, श्री राम चंद्रमूर्ति का नंबर है। हेलो, हेलो, श्री राम चंद्रमूर्ति। हेलो, क्या हुआ भाई? कोई शीतल थी, चंदू के बारे में पूछ रही थी, मैंने बताया ये श्री राम चंद्रमूर्ति का नंबर है। श्री राम सर, जब से तुम आए हो मेरी कंपनी और मेरा बिजनेस लगता है जैसे रिंग रोड पे चल रहा है, ज्वाएं 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 मक्खन मलाई की तरह। फ्रेंकली स्पीकिंग, अयोध्या में भगवान राम रहते हैं, पर मेरे दिल में ये श्री राम रहता है। सर थैंक यू सर। इसलिए ये सुदामा अपने कृष्ण को एक तुच्छ भेंट देता है। गुड, थैंक यू सर। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम तो सच में काफी बदल गए हो। क्या कहा? मैं बदल गया हूं? ये क्या कह रही हो? 1 मिनट।
हेलो सर, बोलिए सर। श्रीराम मेरे प्यारे बाबू, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रास्ते में सर, बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ। लव यू। सॉरी। हाँ, तुम वाकई में बदल चुके हो। पहले ये खा लो, चलो। चपाती बहुत मस्त है खाने में। क्या है, क्या है तेरी प्रॉब्लम? लड़कियों को समझते क्या हो? तो अपनी प्रॉब्लम बता दो। बॉस बॉस बॉस, सॉरी बॉस, इसके बाद का बुरा मत मानो प्लीज। ये मुझे छेड़ रहा था, तुम इसे सॉरी बोल रहे हो? कमेंट ही किया है ना, तुम चलो यहाँ से। चलो चलो, सॉरी बॉस, सॉरी। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना बदल गए हो? मैं नहीं बदला, तुम चलो। हेलो यार, आज अपने मनोज का बर्थडे है, तू भूल गया क्या? नहीं, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जो हुआ उसे भूल जाना। सर कहाँ हो बाबू? सर सर मैं आ रहा हूँ सर। लव यू बाबू, लव यू, बाय। रमेश सर अपने बेटे के साथ अमेरिका गए हैं, नेक्स्ट मंथ आएंगे। वेंकट राव कुछ ही दिनों में एग्रीमेंट बना देगा। ये 1000 स्क्वायर यार्ड की फाइल आप चेक कर लीजिए, फिर मंडे हम इसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। बाकी फाइल्स भी लाइन में हैं, मंथ एंड तक सब फाइनल हो जाएगा। इस कंपनी की ग्रोथ में मुझे सिर्फ तुम्हारी मेहनत नजर आ रही है सर। श्री राम, यू आर स्वीटेस्ट, यू आर हॉटेस्ट, यू आर लेटेस्ट, यू आर ग्रेटेस्ट, नथिंग बट एवरेस्ट। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू श्री राम। थैंक्स। अरे लगता है चंदू आ गया। ए चंदू, ए चंदू, ए चंदू आ गया। आजा बड़े भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बड़े भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सुनिए ना, सुनिए, सुनिए ना। हाँ सुनिए ना। क्या हुआ? ये देखिए ना। हाँ? इन्हें आप रख लीजिए। आखिर मैं हूँ तो आपका ही बेटा। बेटा, तेरा जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ, तू नानी के घर पैदा हुआ था। देखा आपने, हमारा बेटा खरा सोना है। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। जब ये किसी काम का नहीं था तो मेरा बेटा था, काम करने लगा तो तुम्हारा बेटा हो। बस भी कीजिए। भाई साहब। अरे सूर्या, कोई खुशखबरी लाए हो क्या? हाँ, ये खुशखबरी हम दोनों के परिवार के लिए है। ऐसा क्या हो गया? मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाया। बेटा, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, तुम उससे शादी कर लो। जब कोई बाप तुम्हारे लिए रिश्ता लाएगा ना, तब यहाँ आना, मैं अपनी बेटी दे दूंगा। अंकल क्या कहा आपने? चंदू, तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? मेरे साथ चले बता था। अरे अरे अरे, 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 अरे कहाँ जा रहे हो? तो उसे लेकर कहाँ जा रहे हो? ये मुझे कहाँ ले आए बेटा? अरे आप आइए तो। अंकल इनसे कहो जो मुझसे कहा था। मैंने इससे अपनी बेटी की शादी की बात की तो ये मुझे यहाँ लेके आ गया। अब तो आप समझ गए होंगे अंकल, मेरी शीतल। हर बेटी का बाप यही दुआ करता है कि उसका दामाद एक बहुत ही अच्छा लड़का हो। खुश रहो। बोल बेटा। सुन माँ, तू लकी है, तुझे एक खूबसूरत बहू मिलने वाली है। सुनिए। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? मेरी शादी फिक्स हो गई। कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स? कांग्रेस क्यों बोल रही हो? पता है मेरी होने वाली दुल्हन कौन है? चिकन वेज चपाती। अच्छा मैच है ना? एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शीतल जैन हूँ। ये क्या, मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ और तुम मुझे शॉक दे रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं चंदू? कभी चंदू मेरी ताकत था, पर इस चंदू के साथ मुझे बहुत डर लगता है।
तुमने खुद को इतना बदल दिया, पर मैंने प्यार और शादी के सपने चंदू के साथ देखे थे, श्री रामचंद्र मूर्ति के साथ नहीं। अगर तुम वो चंदू होते तो मेरी आंखों में ऐसे आंसू नहीं आने देते। हमेशा एक जैसा रहना मुश्किल है क्या? लोग कितनी आसानी से बदल जाते हैं। ये सब तुमने इतनी आसानी से कह दिया, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। सिर्फ ग्रोथ ही काफी नहीं, लाइफ को जिया जाता है। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जिंदगी को दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीता है। अगर तुम्हें कहीं मेरा चंदू मिले तो उससे कहना उसकी शीतल इंतजार कर रही है। शीतल, कौन आया है? कोई श्री राम चंद्र मूर्ति है, रियल एस्टेट एजेंट है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शीतल बचपन में खेलने के लिए रास्ते से एक कुत्ते को घर लेकर आई थी। मैंने उसे समझाया वो सड़क छाप है, पर वो नहीं मानी। उसने कहा वही चाहिए। कुछ दिन बाद अचानक वो कुत्ता आलसी हो गया और उसके साथ खेलना बंद कर दिया। देखो ना पापा, हैप्पी मुझसे बात नहीं कर रहा है। उसके बाद वो खुद उस कुत्ते को वापस उसी सड़क पर छोड़ आई। उस कुत्ते का आलसी बनना और तुम्हारा एक सड़क छाप से लायक बनने के पीछे का कारण मैं हूं। कोई अपनी बेटी का हाथ तुझे देने आया है ना, उसी से शादी करके खुश रहे। अगर दोबारा मुझे कभी डिस्टर्ब किया तो जैसे मैंने तुझे अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकाला है, वैसे मैं तुझे तेरी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। श्री रामचंद्र मूर्ति आउट। बाबू, मेरे श्रीराम, मथुरा दास कृष्ण राव का बेटा मिनर्वा कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ जाकर उसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो। ठीक है सर। किचन भी साफ कर देना। ठीक है मैडम। देखो लाइट आ गई है। लक्ष्मी, मोटर ऑन कर दो। करती हूँ मैडम। किसका नाम लिखवाया है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। चलो। तुम्हारी बचपन की यादें मिट ना जाएं इसलिए तुम्हारे पापा ने इस कमरे को पेंट नहीं करवाया। पर ये लिखकर तुमने अपने पापा के दिल पर बहुत बड़ा जख्म दिया है। अगर तूने उनके प्यार को नहीं समझा तो इसे क्या समझोगी? पापा। क्या हुआ बेटा? पापा, मेरी खुशी के लिए आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस बेटा, बस। बाय।
थैंक यू भाई। अरे अंधा है क्या? सॉरी भाई। क्या सॉरी? तेरी आइटम कहाँ गई? क्या रे हीरो बनता है क्या तू? प्लीज कल्याणी बोलो। चंदू है वहाँ, मेरी बात कराओ, वो फोन नहीं उठा रहा। क्या हुआ? वो शीतल और चंदू। जिम्मेदारियों का एहसास करके मैं अपनी फैमिली के करीब आ गया, पर खुद को बदलने में मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया। मनोज भाई, हम एक बार सिस्टर से बात करके देखते हैं। कोई फायदा नहीं, शीतल अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब खत्म हो गया। मिले क्यों हमें तुम मिलके भी यारा, दर्द सा मिले हमें पर मिला सुकून नहीं यारा। ये कैसा सिला प्यार का? ये क्या? चांद को खूबसूरत उसके दाग बनाते हैं और मुझे चंदू। तुम्हारे इस प्यार के बदले मैं तुम्हें कुछ भी दे नहीं पाऊंगा। तुम मेरा साथ दोगे ना? मंजिले ना कोई रास्ता, टूटा क्यों ये दिलों का राबता? ना मिले क्यों हमें तुम मिलके भी यारा। अपने भाई के चेहरे पर वापस खुशी देखना चाहती हूँ। दर्द सा मिले हमें पर मिला सुकून नहीं यारा। जरा ध्यान से चेक करना, ठीक है? नमस्कार, आइए। हे कृष्णा, जरा देखो सर को क्या चाहिए। मेरा नाम बाबू राव है। तुम जाकर अपना काम ओके करो। सर, मेरा बेटा आज अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है, उसके पीछे आपका हाथ है, ये जानकर मुझे खुशी हुई। पर मेरे बेटे की खुशियां छीनने वाले भी आप हैं, ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी भी एक बेटी है। ना सोचा था कभी ऐसा भी होगा, जीना पड़ेगा तन्हा जुदा होके हमें। प्यार हमारा हमसे यूं खफा होगा, आवाज ना दोगे मुड़के तुम हमें। क्या है हुआ ये, क्यों है हुआ ये, रूह से जुदा क्यों जिस्म हुआ ये। ना मंजिले ना कोई रास्ता, टूटा क्यों दिलों का राबता। हेलो चंदू, शीतल की शादी तय हो गई। काश मिले मिल जाए तू ऐ जिंदगी यारा। शिकवे गिले हैं जो भी मिट जाए सभी यारा। आज तो सिर्फ चंदू के थोड़े का तेज बहुत आया है, आगे चलेंगे। आज तो सिर्फ थोड़े के तेज बहुत आया है। क्या कर रहे हो? पीछे हटो, रुको। अपनी माँ का बेटा बनने में मुझे पूरे 23 साल लग गए, फिर 2 महीने में किसी का पति कैसे बन सकता हूँ? सॉरी अंकल, फ्रेंड्स है ना, इन्हें भी दर्द हुआ, आप प्लीज जाइए। शुभम करोति कल।
कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरुतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। तुम बहुत खूबसूरत हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी बहुत सुंदर हो। तेरी सफलता देखकर मैं बहुत खुश था, पर मुझे नहीं पता था तेरी ये सफलता तुझे खून के आंसू रुलाएगी। बेटा, कैसे समझाऊं? औरतें ऐसी ही होती हैं, हम नहीं समझ सकते। अपनी माँ को देख, दाल अच्छी बनी है कहो तो खुश हो जाती है, कोई कमी निकालो तो दुखी हो जाती है। उनके सुख और दुख दोनों की वजह हम ही है बेटा। इन दोनों को साथ में देखकर मैं बहुत खुश थी, पर जैसी हमने उम्मीद की वैसा नहीं हुआ। बस एक ही मिनट, मुझे अपनी बेटी से एक बार बात करनी है। क्या तू जानती है कि जब तू पैदा हुई थी तो मैं तुझे क्या बुलाता था? अपनी मां। तू मेरी मां है रे। तुझे एक आईएएस पति ही मिले मेरी इस विचारधारा को बदलने के लिए। मैं पिछले 2 दिनों से बेचैनी महसूस कर रहा हूं। अब तो बता दे चंदू के बारे में। अब वो चंदू नहीं रहा पापा। तेरी जिंदगी से उसे बाहर निकालने के लिए मैंने ही चंदू को श्रीराम मूर्ति बनाया, मैं सच कह रहा हूं बेटी। पापा, पर मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं उसकी खुशियां नहीं बल्कि तेरी खुशियां छीन रहा हूं। एक मिनट अंकल, आप अपनी बेटी की शादी एक परफेक्ट लड़के से करना चाहते हैं ना? पर यहां कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप, ना मैं और ना आपका वो आईएएस दूल्हा। यहां तक कि शीतल भी परफेक्ट नहीं है। शादी के लिए पति पत्नी एक दूसरे के लिए परफेक्ट होने चाहिए। अंकल, पता है आप एक बाप के तौर पर फेल कब होंगे? जब आपकी बेटी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल में उसकी आंखों में आंसू होंगे। अंकल, उसकी आंखों में आंसू देखकर आपको अपने फेलियर होने का एहसास होगा। जब एक लड़की को मंगलसूत्र पहनाया जाता है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है, और आंसू तब होते हैं जब वो विदा होती है। पर मेरी बेटी की आंखों में इस मंगलसूत्र के बांधने की खुशी नहीं होगी, ये सब मुझे उस चंदू ने बताया था उस दिन। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बात सुन। मैंने उसे आज तक गलत समझा। हाँ, अगर चंदू श्रीराम मूर्ति में नहीं बदलता तो मैं ये शादी बीच में रोकने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता। इंसान जब बदलता है तो उसके प्यार करने का नजरिया भी बदल जाता है, पर प्यार नहीं बदलता। वही चंदू तेरे लिए करेक्ट है बेटा, सच कह रहा हूं। जा बेटा, इस समाज से और इस इज्जत से कई ज्यादा बढ़कर मेरी बेटी की खुशी है मेरे लिए। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं,
आप लोग बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। सॉरी, जा बेटा जा। हाँ, कंफ्यूज हो गया था पर फ्रस्ट्रेशन में मुझे तू मिल गया। हा? उसने कहा कि मैं चंदू नहीं, इसलिए अब मैं उसे पसंद नहीं हूँ। उसके बाप ने मुझे श्रीराम मूर्ति बनाकर मेरा कंपेयर एक कुत्ते से कर दिया। तुम लोग कमेंट करते रहे, असल में प्रॉब्लम क्या है? भैया भैया भैया, मेरी बातों को दिल पे मत लो भैया। क्या बोला? दिल पे ना लू? इसे कॉमेंट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क समझा दो। ये क्या, तुमने कहा था मैं चंदू नहीं श्री रामचंद्र मूर्ति हूं, हाँ? अब यहां क्या कर रही हो? अब तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, जानता हूं। प्यार कोई कारोबार नहीं है, लेकिन जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए ऐसा कारोबार करना ही पड़ता है। पर उन्हें कभी मत भूलना जो अपनी जिंदगी को छोड़कर तुम्हें अपनी जिंदगी मानते हैं। टाई क्यों बांध रही हो? असिस्टेंट मैनेजर को थोड़ा डिग्निफाइड दिखना चाहिए। सीने से जो तू लगा दिल ने मेरे कहा मैं तेरा।
जो यूं छुआ सांसों ने ये कहा मैं तेरा तेरा तू मेरा तू मेरा मैं भी फिदा हो गई तुझ पे दिल भी हुआ अपना कसम से तुझ पे प्यार तो था ही ये होना लव में दिल तो था खोना मुझको तेरा ही था होना एक दिन ये ही था होना प्यार तो था ही ये होना रंग में तेरे ही था ढलना रूह में तेरी था रहना प्यार तुझको ही था करना मुझ में मैं हूँ ढला मुझ में तू है मिला दिल में रूह में ख्वाबों में अक्स तेरा ख्यालों में रक्स तेरा दिन में रात में दिल को जुनून है चढ़ा तेरा मुझ पे सुरूर चढ़ा तेरा। I miss you मैं लिखता हूँ I love you मैं कहता हूँ सांसों में है रहता तू बातों में है रहता तू